But Nehru is witnessing a new era that has opened limitless possibilities of growth and peace. तो ये भी एक बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है. इसका महत्व है कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में जो कंडीशंस हैं, शांति के कंडीशन, सुरक्षा के कंडीशंस हैं, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं. बड़ा मैसेज जो इस मीटिंग से जा रहा है कि यहाँ शांति का माहौल है, यहाँ पे एक दोस्ताना माहौल आ गया है. नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है. आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे. राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं. आज राष्ट्रवाद में सीधे मुद्दे पर आऊं, उससे पहले आपको आज की बड़ी खबरें बताना बेहद जरूरी है. एक तरफ कश्मीर में G20 की बैठक चल रही है, जिसमें दुनिया के लगभग सभी बड़े देश मौजूद हैं, जिससे कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को करारा तमाचा मिल रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के नाम की जयकार हो रही है. ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं. सिडनी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया. इस दौरान पूरे स्टेडियम में मोदी मोदी की गूंज सुनाई थी, इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई थी. इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मंच से दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराया. इतना ही नहीं, पीएम मोदी के भाषण से पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी को द बॉस तक कह दिया, और यह इस बात का एहसास कराता गया कि किस तरीके से दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी उनकी नीतियों की धमक सुनाई दे रही है. अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के पीएम पीएम मोदी को बॉस कह रहे हैं, तो कितनों के दिल जल रहे हैं. अपने भाषण में पीएम मोदी ने G20 प्रेसिडेंसी का जिक्र करते हुए यह तक कह दिया कि भारत ने इस बार के G20 के लोगों तक में अपनी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उतार दिया. अब भारत की इसी भावना को स्वीकार करते हुए दुनिया के तमाम मुल्कों के प्रतिनिधि इस समय जम्मू कश्मीर में मौजूद है. जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन के तहत पर्यटन वर्किंग ग्रुप की बैठक कराकर हिंदुस्तान ने कश्मीर के बारे में फर्जी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया. आज पूरी दुनिया नए जम्मू कश्मीर का सच देख रही है. पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है. भारत के न्योते पर 20 से ज्यादा देशों के 60 डेलीगेट्स जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद है. सारे डेलीगेट्स डल झील की सैर करते नजर आए, कश्मीर की सुंदरता को निहारते नजर आए. चीन और पाकिस्तान के साथ उनके एजेंडे पर काम करने वाले विरोधी भी आज G20 की श्रीनगर में बैठक को देखकर सन्नाटे में है. आज जम्मू कश्मीर में G20 समिट का दूसरा दिन है. आज फिल्म टूरिज्म और इको टूरिज्म पर मंथन किया गया. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर नई इबादत लिख रहा है. उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नए युग का गवाह बन रहा है, जिसने विकास और शांति की असीम संभावनाएं खोल ली. जम्मू कश्मीर इज विटनेसिंग अ न्यू एरा दैट हैज ओपन्ड लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ एंड पीस. नाउ इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो कमिंग इनटू जम्मू एंड कश्मीर. ग्रीन फ्रूट्स ऑफ बेटर टाइम्स पीपल आर एंग्जायसली लुकिंग अप टू. अब मैं आपको चार तस्वीरें दिखाता हूं. श्रीनगर में G20 डेलीगेट्स के स्वागत और आवभगत की ये चार तस्वीरें आप देखिए. पहली तस्वीर उस वक्त की है जब फिल्म स्टार रामचरण तेजा के साथ विदेशी डेलीगेट्स ने नाटू नाटू पर डांस किया. दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब शाम ढली और G20 डेलीगेट्स डल झील के किनारे पहुंचे. सभी ने शिकारा की सवारी का लुत्फ लिया. और तीसरी तस्वीर जब डेलीगेट्स का भारतीय परंपरा के मुताबिक शाही अंदाज में स्वागत किया गया. सभी डेलीगेट्स को तिलक लगाया गया, शॉल दिया गया. और चौथी तस्वीर उस वक्त की जब श्रीनगर में डेलीगेट्स ने कश्मीर का जो फोक म्यूजिक है उसका आनंद उठाया. मोदी सरकार ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये मीटिंग दिल्ली, मुंबई, आगरा, जयपुर जैसे बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन छोड़कर श्रीनगर में भी रखी. हिंदुस्तान का मकसद बिल्कुल साफ है, धरती की जन्नत को ग्लोबल पहचान दिलाना. जो बातें कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाई जाती हैं, उनका पर्दाफाश कर देना. वो कश्मीर जो कभी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के नाम से जाना जाता था, वहां शांति है, तरक्की है, दुनिया को यह संदेश मिल जाए, यह भी मकसद हिंदुस्तान का. कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग और एक महत्वपूर्ण मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर में हो सकता है. आज ये मीटिंग शुरुआत हुई है, ये मीटिंग अच्छी तरह चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स G20 और सबसे प्रवासी देशों से आए हैं भारत में, श्रीनगर में.
तो ये भी एक बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। इसका महत्व है कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में जो कंडीशंस हैं, शांति के कंडीशन, सुरक्षा के कंडीशंस हैं, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। यहाँ पे टूरिस्ट, ना सिर्फ भारतीय टूरिस्ट पर विदेशी टूरिस्ट भी आ सकते हैं और बिल्कुल इनके लिए कंडीशंस बहुत ही अच्छे हैं और उचित हैं। अब आपको बताते हैं कि G20 कश्मीर के लिए अहम क्यों है। कश्मीर के इतिहास में पहला इंटरनेशनल समिट है। 370 हटने के बाद कश्मीर में सबसे बड़ा आयोजन है। कश्मीर की धरती से पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा, कश्मीर में अमन बहाल है, पर्यटकों का स्वागत है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से कश्मीर को जाहिर तौर पर फायदा मिलेगा, इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। हैंडलूम इंडस्ट्री, पश्मीना शॉल, ड्राई फ्रूट्स, ग्लोबल लेवल पर इनका बिजनेस जाएगा। और G20 की प्रेसिडेंसी का जिक्र करते हुए इन तमाम बातों का, हिंदुस्तान कितनी बड़ी ताकत बन रहा है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में किया। बड़ा मैसेज जो इस मीटिंग से जा रहा है कि यहाँ शांति का माहौल है, यहाँ पे एक दोस्ताना माहौल आ गया है। यहाँ के लोग जो पिछले कई सालों से परेशान थे, वो चाहते हैं कि वो भी अन्य भारतीयों की तरह एक आम जिंदगी जी सके। और आम जिंदगी जीने के लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पे चीज़ है, टूरिज्म से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही टूरिस्ट आएंगे, फिल्म शूटिंग होगी, फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, यहाँ लाइफ जो नॉर्मल हो गया है उसको और स्ट्रेंथ मिलेगा, उसको और बल मिलेगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से छाती पीटने वाले और बार बार पाकिस्तान से बात की वकालत करने वाले आज सन्नाटे में है। पाकिस्तान और चीन ने तो G20 बैठक से पहले ही कन्नी काट ली थी। अब G20 की शानदार बैठक ने चीन पाकिस्तान के साथ साथ उनके एजेंडे पर चलने वालों को भी करारा तमाचा दिया है। अब चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल ये होगा कि कश्मीर में G20 तो चीन पाकिस्तान को वाकई मिर्ची लग गई, दुनिया ब्रांड मोदी की कायल है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी को बॉस बता रहे हैं और कश्मीर विरोधी घायल हो गए। सवाल यह भी कि बदल रहा है मोदी का कश्मीर, महबूबा अब्दुल्ला आप क्या कहेंगे। सवाल यह भी कि कश्मीर में पत्थर नहीं, हाउसफुल पिक्चर चल रही है। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। उमेश तलाशी जी हमारे साथ हैं जो कि JKNC के प्रवक्ता हैं। वकार भट्टी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। वकार भट्टी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया बॉस मान रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप तो बॉस हैं। कश्मीर से 370 हटा, उसकी तस्वीर कितनी खूबसूरत हो गई है। दुनिया के डेलीगेट्स भी इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि मोदी तो बॉस है, जो उन्होंने किया सही किया। क्या कहेंगे? बिल्कुल। पहले तो जम्मू कश्मीर में G20 श्रीनगर के कुछ एरिए को आप रंग पेंट करके अगर दुनिया को तस्वीर दिखाना चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में सब चंगा है, सब अच्छा है, तो ये आपको मुबारक हो। रियासत जम्मू कश्मीर में आप अगर G20 में अमन दिखा रहे हो, पीस दुनिया को दिखा रहे हो, तो मुझे वो जमीन पर दिखना चाहिए, वो टीवी स्टूडियो पर, वो मीडिया पर, और वो एयरपोर्ट पर भगवा पगड़ियां लगा के कश्मीर के कल्चर में भगवा पगड़ी। चलिए वकार भट्टी आपका संपर्क कट चुका है सर, संपर्क टूट चुका है। और जो बातें आप कह रहे थे, भगवा से इतनी दिक्कत है आपको, ये एहसास है हमें, और किस तरीके से जम्मू कश्मीर बदल रहा है, श्रीनगर के अलग अलग इलाकों लाल चौक में जाकर देख लीजिए, डल झील के किनारे देख लीजिए, लाल चौक जहां पर लोग जाते नहीं थे, तिरंगा फहराने पर एक बार सवाल उठा दिए जाते थे, आतंकवादी धमकियां मिला करती थी, वहां पर कितनी शान से बदले लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। राजीव जेटली जी, दुनिया बॉस बता रही है प्रधानमंत्री मोदी को, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, लेकिन कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है, उनके दिल जल रहे हैं इस समय। देखिए, ना तो मुट्ठी भर लोगों से, ना मुट्ठी भर देशों से भारत की छवि के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये बात सब लोग जानते हैं। वकार भट्टी जी की कुछ अलग मजबूरी हो सकती है। अब कल ही देखिए कि पूरी दुनिया ने, चाहे वो जो बाइडेन थे या दुनिया के दूसरे राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी आपकी जो मांग है मेरे देश के अंदर, मैं अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो उनसे भी ज्यादा है, तो आपके ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। दुनिया के राष्ट्रपति, दुनिया के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। और एक जो परसेप्शन बनाया गया कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद है, कश्मीर से दूरी बना करके रखिए, कश्मीर में टूरिज्म ना जा पाए, जो 7% आज GDP में अपना योगदान दे रहा है, कश्मीर में टूरिज्म ना जा पाए, कश्मीर में शांति नजर नहीं आनी चाहिए,
क्योंकि कश्मीर में शांति नजर आएगी, टूरिज्म नजर आएगा, विकास नजर आएगा, डेवलपमेंट नजर आएगा, कश्मीर तरक्की में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, कश्मीर के साथ भारत का जो है कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कश्मीर के अंदर इंस्टीट्यूशन आएंगे, तो बहुत सारी दुकानें इनकी बंद हो जाती हैं। ये राजनीतिक पार्टियां जिन जिन पार्टियों ने कश्मीर के नाम पर चुनाव लड़े, और मेरे को तो हैरानी होती कांग्रेस पार्टी जो हमारे देश के अंदर, जहां देश के राहुल गांधी जी उनके राष्ट्रीय तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बोलूंगा मैं उनको, क्योंकि हाईकमान वही है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने, अगर वो ये कहते हैं कि कश्मीर अलग है, कश्मीर की समस्याएं अलग है और भारत जोड़ो यात्रा अलग है। देखिए कश्मीर के अंदर जाकर के उन्होंने कश्मीर को अलग रूप दिया, अलग तरीके से अपना वर्जन रखा। भारत के अंदर जब दूसरे भागों के अंदर वो यात्रा कर रहे थे तब तक वो भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रहे थे, वो अलग बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमारे प्रदेश के अंदर हमने नॉर्थ से ईस्ट से वैसे लोगों को नहीं आने दिया, मतलब हम साउथ के और कर्नाटका के लोगों को तक ही सीमित रहते। तो इन लोगों ने जो तोड़ने की नीति है, उस तोड़ने की नीति के तहत भारत की जब भी जो खराब करने की कोशिश करी है उसके अंदर लगभग 18 देशों ने अपनी मोहर लगाई कि भारत विकास की दिशा में आगे जा रहा है और कश्मीर के अंदर शांति है। 18 देशों की भागीदारी अपने आप सुनिश्चित कर रही है कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियां राहुल गांधी जी चाइना या पाकिस्तान दुनिया के देशों में जाकर के बताते हैं उससे बिल्कुल विपरीत है। प्रैक्टिकल तौर पर हर देश का डिप्लोमेट वहां पर है, लगभग 50 से ज्यादा डिप्लोमेट आज कश्मीर के अंदर कश्मीर की खुशहाली देख रहे हैं। अगर इन लोगों को नजर नहीं आते और देखना नहीं चाहते तो ये इनकी मजबूरी हो सकती है, हमारी नहीं है। ठीक है, मैं वकार भट्टी आपके पास आऊंगा, राजीव जी मैं आपके पास भी आता हूं लौटकर दोबारा। उमेश जी, ये बदलाव को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे लोग? आपको क्या नहीं लगता है कि जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने किया, बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए किया, लोग स्वीकार कर रहे हैं, दुनिया स्वीकार कर रही है? 60 डेलीगेट्स अलग अलग देशों के मौजूद है, ठीक है एकाध नहीं है, लेकिन वो भी सोच रहे होंगे, और खासतौर पर आज ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर देखने के बाद। बिल्कुल, G20 का जो समिट है, ठीक है बहुत अच्छी बात है G20 का समिट हुआ है, यहाँ टूरिस्ट को बूस्ट करेंगे, बट आप मुझे बताइए कि ये जो नारेबाजी है, ये जो इनके स्लोगन्स हैं कि कश्मीर में हालात बहुत नॉर्मल हैं, सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है सब ठीक है, टूरिस्ट आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, शिकारा राइड्स हो रही हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस हो रही है, डेवलपमेंट, चलिए G20 के बहाने ही थोड़ी बहुत डेवलपमेंट तो देखने को मिल गई श्रीनगर में। अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे बताइए कि ये इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं करवा रहे? अरे हो जाएगा, वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा है, यहाँ बैठे हुए उमेश जी, वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा है, परिसीमन हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, समय के साथ चुनाव भी हो जाएगा। मुझे नहीं जी, नहीं मुझे एक बात बताइए, आखिरी बार कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं आप ही के पास हूं सर, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरीके का आयोजन जम्मू कश्मीर में कब हुआ था? पहले भी जश्न कश्मीर होते थे यहाँ पे, कब हुआ है? अब इन्होंने एक G20 समिट किया, हम तो इसके खिलाफ नहीं है, हम तो वेलकम करते हैं, बहुत बिल्कुल आप खिलाफ नहीं है, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आखिरी बार इस तरीके का कॉन्फ्रेंस सम्मेलन या फिर कोई आयोजन जम्मू कश्मीर श्रीनगर में कब हुआ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब अब हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो मना नहीं कर रहा इस चीज से। अगर G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ है, मैं इस चीज को ठुकरा नहीं रहा, ना मैं इस चीज के खिलाफ बोल रहा, बहुत अच्छी बात है, टूरिज्म प्रमोट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज पे तो बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ ये जो नॉर्मल सी के डंके बजाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी की वजह से हालात नॉर्मल है, सब चीजें बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गई है, जो चीज पहले कभी नहीं देखी गई अब मोदी जी के राज में देखी जा रही है। तो आप मुझे बताइए एक डेमोक्रेटिक राइट जो है उससे डिप्राइव क्यों किया गया लोगों? अरे वो भी आ जाएगा, क्यों यहां हर्षवर्धन जी करवा रहे हैं? हर्षवर्धन जी मैं आता हूं उमेश भाई आपके पास। हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं नॉर्मलसी दिखाई जा रही है, बिना नॉर्मलसी के क्या G20 हो गया? मैंने इनसे पूछा कि भाई आखिरी बार इस तरीके का आयोजन, इस लेवल का आयोजन कब हुआ था? जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक राइट, समय के साथ चुनाव भी हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है राकेश जी ये कम से कम राजनीतिक दलों का इतना गंदा रवैया कश्मीर के लोगों को लेकर है, ये बहुत शर्मनाक है। वहाँ जो राजनीतिक दल बरसों बरस सत्ता में रहे वो आज भी कश्मीर को आतंकवादियों और अलगाववादियों की निगाह से देखते हैं और पूरे देश को दिखाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। G20 की बैठक नॉर्मलसी दिखाने के लिए नहीं की गई है, उससे पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से सामान्य हुआ, वहां पर पत्थरबाजी की, अलगाववाद की घटनाएं खत्म हो गई, जो लोग तकरीरें दिया करते थे जिनकी तकरीरों के बाद दंगे की स्थिति, पत्थरबाजी की स्थिति, जम्मू कश्मीर पुलिस से मुठभेड़ होती थी, वो सब बंद हो गई। और अभी
जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, जम्मू कश्मीर में मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कारोबार हो रहा है, जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिल चुका है, कारोबार वहां के सिर्फ ऐसा नहीं कि विद इन जम्मू कश्मीर हो रहा है, देश के दूसरे हिस्सों से हो रहा है, दुनिया के दूसरे देशों के बड़े कारोबारी जम्मू कश्मीर में निवेश कर रहे हैं। G20 की बैठक भारत का अपना संप्रभुता का मसला है, G20 की बैठक वो जहां चाहेगा वहां कराएगा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां पर एक बैठक हो रही, बस इतनी सी बात है। इसमें इतना तिलमिलाने वाले वही लोग हैं जिनको आतंकवादियों, अलगाववादियों, देशद्रोहियों की नजर से कश्मीर को दिखाना है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, वकार भट्टी क्यों तिलमिला रहे हैं भाई कुछ लोग? आखिरी बार लाल चौक कब गए थे? सी, मैं तो रोज रहता ही लाल चौक में सर। क्या बदलाव दिखा है? हर दिन कुछ बदलाव दिखा आपको? बहुत बदलाव सर, वहाँ लाल चौक में हमें इंटर होने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, वहाँ सिर्फ G20 के आपके मेहमान आए ना, तो वहाँ सर चैलेंज करता हूँ। नहीं, नहीं, अभी तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा ना भाई। अरे अभी तो हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, देश के किसी भी, अरे देश के किसी भी हिस्से में अगर कहीं से मान लीजिए कोई विदेशी डेलीगेट का कॉन्वॉय गुजरने वाला है, एक एक लाइन तो दीजिए। हैदराबाद हाउस में दूसरे डिप्लोमेट्स या राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो वहाँ सुरक्षा के इंतजाम बदल जाते हैं ना। अब सुरक्षा पहले सुन तो लीजिए ना सर। एक एक बात है बकार भट्टी, आपको जब विदेशी जो डेलीगेट्स होते हैं उनका रूट बनता है तो उसके प्रोटोकॉल समझ में आते हैं आपको? सर मुझे सारा बनता, आप सुनेंगे तो तब ना, आप सुनेंगे नहीं तो फिर आपने एक किया हुआ कि सुनने नहीं, हमने दूसरे पक्ष का तो फायदा क्या। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सर, कश्मीर में G20 के डेलीगेशन आए, दुनिया भर से जितने भी देशों से आए, आपने 60 देश बोले हैं, 70 बोली, 80 बोली, ठीक अच्छी बात। अरे 60 डेलीगेट बोला करिए, इतनी तिलमिलाहट अच्छा नहीं है कि सुना भी ना करे ठीक से। सुनिए सुनिए, 60 डेलीगेशन नहीं है क्योंकि 3 मुल्क नहीं आए, पहली बात ये भी है। तीन मुल्कों से ज्यादा मुल्क है क्या? मैं क्या रहा यानी उन तीन मुल्कों के नहीं आने का ज्यादा दुख है क्या वकार भट्टी? मुझे दुख नहीं है किसी के, ना खुशी की खुशी। तो इन तीन मुल्कों की बात आपने कर ली कि तीन मुल्क नहीं आए? मैंने कहा तीन नहीं आए, 17 मुल्क के आए। नहीं तो वो तीन मुल्कों के नहीं आने का दुख है? बिल्कुल G17 हो रहा है, तीन मुल्क भी आना चाहिए था, तीन मुल्क भी आना चाहिए था। ये असली दुख है। अब सुनिए पूरी बात करने दीजिए ना। अब देखिए मजे की बात, दुनिया को यह भी पता चल गया कि कश्मीर में दुनिया के मेहमान आए, मेहमान नवाजी में कश्मीर पहले नंबर है दुनिया भर में, मेहमान नवाजी में कश्मीरी हमेशा आगे बढ़ के, चाहे वो मेहमान भारत से आए या दुनिया भर से आए, हम मेहमानदारी। अरे बकार भट्टी रुकिए, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, रुकिए। कश्मीर में मेहमान भारत से आए मतलब भारत कहीं बाहर का है क्या? भारत की किसी भी स्टेट से आए? नहीं नहीं, आपने कहा कि भारत से आए, भारत दूसरा देश है, कश्मीर दूसरा मुल्क है क्या? अब भारत से आए? बात रखने दीजिए, चीखी है बात। नहीं नहीं, चीखू क्यों नहीं, चीखू क्यों नहीं? बकार भट्टी, आपने कहा चाहे भारत से आए तो भारत कहीं बाहर का लोग क्या? कश्मीर के लोगों के लिए, आपके लिए, पहले सुनिए ना, सुनिए मेरी। अरे क्यों सुनूं? मेहमान नवाजी किसको करनी चाहिए? पहला पॉइंट मेरा, बकार भट्टी पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारत दूसरा मुल्क है आपके लिए? भारत की रियासतों से जनाब, भारत की लगने नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारत आपके लिए दूसरा मुल्क है कि अपना मुल्क है? तो सर भारत जम्मू, मैंने कहा पूरा भारत दूसरा मुल्क है। आपके लिए दूसरा मुल्क है कि अपना मुल्क है? सर मैंने कब बोला? मैंने उसने भी बोला, क्या बोलिए ना, मुल्क है हम लोग, बोलिए अपना मुल्क। किसने बोला? आप बात ही नहीं करने दे रहे ना सर। मैं बात कर रहा हूँ सर, लेकिन जो आपने बात कही उस पर ऑब्जेक्शन है। यहाँ भी जुबान बंद कर रहे, इधर पुलिस जुबान बंद कर रही है। अरे भारत के खिलाफ में बात होगी तो जुबान बंद की जाएगी, हिंदुस्तान के खिलाफ बात होगी तो जुबान बंद की जाएगी। किसने हिंदुस्तान के खिलाफ जुबान, भारत के खिलाफ किसने? चलिए अपनी बात रखिए, क्या कहा सोचिएगा। सुनिए मेहमान नवाजी में, सुनिए मेहमान रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आए, श्रीनगर में आए, और मेहमान नवाजी हमें करनी चाहिए, रियासत के लोगों को करनी चाहिए, रियासत का कल्चर बाहर आना चाहिए, रियासत में क्या होता है, क्या वहां का कल्चर क्या है, वहां का खान पीन क्या है, रियासत के लोगों को ईमानदारी से ना, रियासत के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। लेकिन होता क्या है सर, बाहर के बाबू, बाहर के पॉलिटिशियन तमाम जाते हैं, मतलब नहीं है ये बाहर का मतलब क्या होता है राजीव जेटली, भारत सरकार। अरे रुकिए ना, ये आप बार बार एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल है, बाहर का मतलब क्या होता है? पहले राजीव जेटली इन्होंने कहा कि भारत से कोई आए, आप कह रहे हैं बाहर से कोई आए, दिल्ली के लोग। मैं आपका अपना नहीं हूँ क्या? मैं आपका अपना नहीं हूँ राजीव जेटली? पहले पूरी
अरे रुक जाइए सर, बहुत देर से आपके पास हूँ, बाकी मेहमान भी है बकार भट्टी, रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए सर, कंफ्यूज हो रही है अभी राजीव जेटली जी की आवाज होने जा रही है। आप सुनिए, ठीक है, राकेश जी इनके कहने से कोई फर्क पड़ता होता तो मुझे लगता है बहुत पहले पड़ चुका होता। बाहर से तो कश्मीर में डॉक्टर भी नहीं जा सकता था, प्रोफेसर भी नहीं जा सकता था। कश्मीरी स्टूडेंट का मलेशिया जैसी जगह के अंदर रिजर्वेशन होता था। कश्मीर का बच्चा अगर उसको एमबीबीएस करनी है तो उसको मलेशिया जाना पड़ता था। उन्हें मालूम था कि कश्मीर के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए मलेशिया जैसे बीजेपी में कश्मीर बच्चों के लिए सीट रिजर्व करके रखी। आप बीजेपी के बड़े शानदार प्रवक्ता हैं, बहुत समझदार नहीं रखते हैं। मुझे एक बात बताइए, पहले वकार भट्टी अपने सवाल बाद में पूछिएगा, राजीव जेटली का जवाब सुन लीजिए, अपने सवाल पूछिएगा। राजीव जेटली जी की आवाज कि 370 हटने के बाद अब कश्मीर के अंदर कश्मीर का बच्चा पढ़ेगा, कश्मीर के अंदर प्रोफेसर अगर बनेगा तो कश्मीर का बच्चा कश्मीर के अंदर अपनी सीटों के ऊपर बनेगा, अपनी सीटों को रिजर्व करवाया जाएगा। कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंजीनियर नहीं जा सकते थे, और अगर जा सकते थे तो उनके बच्चे वहां स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे, ये परमिशन नहीं थी हमारे को। आज जो भट्टी साहब आपका जो पिछला कश्मीर था कांग्रेस के वक्त पे या एनसी के वक्त पे, उस टाइम पे जो परिस्थितियां पैदा करी थी वो सारी दीवारें हमने तोड़ दी है। मनोज सिन्हा मतलब जी ने एक बात रखी, बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी मनोज सिन्हा, एक्सप्लेन करिए कि अब बड़ी, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अरे आप तो अब विकास का हिस्सा बन गया। देखिए आपकी मजबूरी टीवी चैनल पे आके आपने हमारी खिलाफत करनी है, लेकिन एंजॉय तो आप भी करें। आपके साथ कुछ नहीं विकास सर हुआ, पेंट करने से, लाइटिंग करने से विकास नहीं नजर आती है। आपकी खुशी आपके चेहरे से नजर आती है, जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आप देखिए कितनी शांतिपूर्वक हो रहा है। कश्मीर के अंदर तो खड़ा हुआ बच्चा, खड़ा हुआ इंसान, अगर टूरिस्ट भी होता था तो खतरे के साथ रहता था वहां पर। किसी भी आप लोगों के लिए, आपके टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट किसके द्वारा मारे गए बताइए? उन्हीं के द्वारा ना, जिनकी मेहमान नवाजी आपने कश्मीर में करी थी, उन आतंकवादियों को जिनको आपने कश्मीर में इन्वाइट किया था। और मारा किसे था? आप ही लोगों को। आप लोगों की सुरक्षा करना देश के प्रधानमंत्री का दायित्व, और विकास कश्मीर में विकास के अंदर बाधा बनने वाला कोई भी व्यक्ति अगर कोई कहीं खड़ा होगा तो उसकी वही जगह है जहां उसको होना चाहिए। इसीलिए हमारी सेना सक्षम है ऐसे लोगों के लिए, जिन लोगों ने विकास की बाधा बनने की कोशिश करी, दीवार बनने की कोशिश करी, और जो लोग बाहर से आए थे जो बर्बादी मचाना चाहते थे उनका सफाया हमने किया, टेररिज्म का ठीक किया। ठीक है राजीव जी, ठीक है, आपने अपनी बातें रखी, वकार भट्टी एक साथ जवाब दीजिएगा, एक और डोज ले लीजिए। हर्षवर्धन जी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कुछ लोग तिल मिला जा रहे हैं, अब ये तिल मिलाहट है, कह रहे हैं भारत से लोग आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि बाहर की मेहमान नवाजी यहां के भारत सरकार का कार्यक्रम, दुनिया इधर ब्रांड मोदी की गूंज कायल हो रही है और इन्हें दिक्कत हो रही है मोदी नाम से। देखिए राकेश जी, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह दूं, बहुतायत कश्मीरियों को कभी भी देश को लेकर कोई भ्रम नहीं रहा। राजनीतिक दलों ने अलगाववादियों के एजेंडे पर कश्मीर को हमेशा अतिवाद की तरफ धकेलने की कोशिश की। ये लोग कहते हैं कि नॉर्मलसी है तो चुनाव क्यों नहीं कराते, ये लोग ये नहीं कहते कि डीडीसी के चुनाव इतने वर्षों के बाद, या कहें कि पहली बार वहां हुए, वहां जो नौजवान चुनकर आए वो कश्मीर के नहीं। क्या आतंकवादियों के शिकार होने की वजह से, अगर आप ये कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी उसको सपोर्ट करे सरकार या उसके साथ खड़ी हो जाए? क्या इसका मतलब पहले की सरकारें वहां खड़ी हो जाती थी साथ में, क्योंकि तब क्या नॉर्मलसी थी क्या? तो आप पहले तो ये बता दीजिए कि नॉर्मलसी का मतलब क्या है, 90 वाला दौर, नॉर्मलसी का मतलब क्या है, ज्यादा आतंकवादी आए और हमारे कश्मीरी भाई बहनों पर गोली चलाए, क्या है नॉर्मलसी का मतलब? क्योंकि अगर आज की तारीख में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, अलगाववाद नहीं है, आतंकवाद नहीं है, आप अगर सिर्फ राजनीति के लिए कश्मीर को कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये अब नहीं होने वाला है। G20 की मीटिंग में दुनिया के डिप्लोमेट ये देख कर जा रहे हैं, दुनिया ये बहुत अच्छे से समझ रही है। जवाब एक साथ दीजिए बकार भट्टी, उसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं, क्योंकि आप जो भाषा बोल रहे हैं महबूबा मुफ्ती की, कुछ समय पहले वो कहा करती थी झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, शांति चाहिए तो पाकिस्तान से बातचीत कर लीजिए। राकेश जी, एक लाइन बस बोल दूं, महबूबा जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम सब उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर 370 नहीं हटेगा तो वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये बहुत बड़ी कृपा उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर की है, इस पर बनी रहे, कायम रहे। ठीक है वकार भट्टी, एक साथ जवाब। सर हमें लगता है कि हम जम्मू कश्मीर के लोग ना, आप
दिल्ली में बैठे हुए स्टूडियो में है या भाजपाइयों के लिए आरएसएस वालों के लिए कुछ काम के है नहीं, बिल्कुल नालायक है। सुनिए ना, सुनिए सुनिए, आप इसी तरह घर में किसी को नालायक कहकर बात करते हैं क्या? इसी तरह घर में बातचीत करते हैं क्या? तो नेशनल टेलीविजन पर आने के लिए पहले नेशनल टेलीविजन के लिए जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसे समझा करिए और सीखा करिए। घर में जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वैसी भाषा यहाँ भी रखा करिए। आप पूरी बात सुनते नहीं तो क्या क्या? और इस स्टूडियो में बैठकर सिर्फ चर्चा नहीं करते हैं। दर्जन बार राकेश श्रीनगर में मैंने भी रिपोर्टिंग की है, हर्षवर्धन जी भी गए होंगे, राजीव जेटली भी गए होंगे, तो इससे मत क्या करिए। सुनना ही नहीं चाहते। मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूँ सर, भाषा ठीक रखिए। नहीं सुनना चाहते, भाषा ठीक रखिए। गर्मी में बैठना पड़ता है। सुनिए, हम भी चाहते हैं सब लोग कश्मीर में आके बस जाए। राजीव जी, मैं आपकी राजीव जी आपकी बात जाता, राजीव जी राजीव जी सुनिए मेरी बात। रियासत जम्मू कश्मीर में, पूरा जम्मू कश्मीर जब 370-35A के बाद बंद हुआ, सिर्फ एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने और कठुआ सांबा के लोगों ने खुल के साथ किया, साथ दिया बीजेपी का। जितने भी हमारे डोगरे भाई थे जम्मू के, उन्होंने खुल के साथ दिया कि भाजपा ने 370 को खत्म किया है, हम इसके ऊपर सेलिब्रेशन करते हैं, और उन्होंने किया। मुझे आज ये बताइए कि आज जम्मू में G20 आप क्यों नहीं कर सकते थे? आप पीर पंजाल में G20 क्यों नहीं कर सकते? अब ये कौन सी बात है भाई कि यहाँ नहीं कर सकते थे, वहाँ नहीं कर सकते थे? श्रीनगर में लाल चौक के आसपास किस तरीके से दहशत रहा करती थी, शांति करके श्रीनगर में कर दिया। अभी अब ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई कि जम्मू में क्यों नहीं कर सकते थे? विभिन्न भागों में होनी है, हर प्रदेश में हो रही है, हर प्रदेश के अंदर इसका कार्यक्रम किया जा रहा है, उत्तराखंड में किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, कर्नाटका में किया जा रहा है, बेंगलोर में किया जा रहा है, कश्मीर क्यों नहीं? ये कश्मीर के अंदर आपने कश्मीर के अंदर बिठा करके क्या मिल रहा है? क्या चाहते हैं? विकार भट्टी के वहां की ठेकेदारी लेते हैं? मैं राजीव जी, हमारे देश का अभिन्न अंग है ना, मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। उमेश जी कहते थे, आप आगे क्या बोल रहे हैं लोगों को? वकार भट्टी आप बार बार लाइन गलत पकड़ रहे हैं। अब रुक जाइए, एक 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 टिप्पणी मुझे ब्रेक लेना होगा सर, उमेश जी के पास जाना होगा। उमेश जी, महबूबा मुफ्ती के साथ आप, अरे रुक जाइए सर, महबूबा मुफ्ती तमाम भड़काऊ बातें चीन पाकिस्तान को लेकर, आप तो मानेंगे कि ये बदलाव सही है? आज तो खुले दिल से तारीफ करिए कम से कम। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं बड़ी देर से सुन रहा था कि शांति और अमन की बातें सुन रहा था मैं, कि टेररिज्म खत्म हो गया है, वाइप आउट किया गया है, मोदी जी के राज में बहुत शांति और अमन आया है। शायद ये बीजेपी के प्रवक्ता को मैं बता दूं कि जितनी माइनॉरिटी किलिंग्स हमने पिछले 3 साल में देखी है उतनी कभी नहीं देखी। जितने कश्मीरी पंडित दोबारा से एग्जॉडस होके कश्मीरी कश्मीर से वापस लौटे हैं मुलाजिम, उतना पहले कभी नहीं देखा। ये शायद इनको इस चीज को नॉर्मल सी ठीक का इन्होंने ठप्पा लगा दिया इन्होंने। मैं बिल्कुल इस बात का जवाब देता हूं कि उन्हीं किलिंग्स के बाद, उन्हीं किलिंग्स के बाद आपके नेता लोग कहते हैं कि ये किलिंग्स तभी रुकेंगी जब जाकर बातचीत कर लीजिए किससे, चीन और पाकिस्तान से। और जिनको लेकर वकार भट्टी को दर्द हो रहा था कि वो 3 मुल्क नहीं आ पाए G20 में, चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ये बातें सुनवाना जरूरी है कि क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के अरीना स्टेडियम में, कैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें बॉस कह दिया प्रधानमंत्री मोदी को। ब्रेक के बाद